हो रहा है कि बस वाले ने बहुत ज्यादा बदतमीजी से बात करी है, ठीक है, बदतमीजी तो छोड़ ही दो, लेकिन क्या ही बोल सकते हैं उसको, ठीक है, इतना ज्यादा रूडली बिहेव किया जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैं आपको बस भी दिखाऊंगा एंड बस का नंबर भी दिखाऊंगा, और बस भी दिखाऊंगा कौन सी है, किसकी बस है, ठीक है। बाकी जैसा भी होता है, जो भी होता है, देखते हैं। बाकी इस वीडियो को थोड़ा सा ज्यादा शेयर करना, ठीक है। बहुत अच्छा एक सीन है, वो दिखाते हैं आपको, देखिए। और ये एक नया तरीका देखा है आपने यहाँ पे, और काफी अच्छा लग रहा है। हाँ तो फ्रेंड्स, माता वैष्णो रानी का बुलावा आ गया है और हम जा रहे हैं, और रास्ते में जो भी दिखाने वाली चीज होगी वो आपको दिखाते रहेंगे और जयकारे लगाते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। जय माता दी। भाई सर जो है देखो, यहाँ से कटरा के लिए निकल गए हैं। गाइस, आज बहुत अच्छा दिन है मेरे लिए, और आज मुझे मौका मिला है बड़े दिनों के बाद माता वैष्णो रानी के दरबार में जाने का। यहाँ पर लाल किले पर आ गए हूँ, लाल किले से भी बस पकड़ूंगा और बस से सीधे कटरा सुबह पहुँच जाएंगे, 8-10 बजे तक ये पहुँचा देगी हार्डली, और फिर चलेंगे माता वैष्णो रानी के दरबार में। ये हमारा के भी ना छोटे भैया, हमारे पास देख रहे हो ना, ये केबिन बने हुए सामने सभी कैसे। अभी आ चुके हैं अंबाला के अंदर, और यहाँ पे होटल पे गाड़ी रुकी है आधा घंटा के लिए, स्नैक्स वगैरह लेने के लिए, और जो भी एक नंबर दो नंबर जो भी करना है उसका करने के लिए। यहाँ पे वेलकम के लिए बहुत अच्छा एक सीन है, वो दिखाते हैं आपको, देखिए। यहाँ पे वेलकम का एक अलग ही नज़ारा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक पहलो बनाई है, उसका बच्चा भी बनाया है पहलो का, और ये जो वेलकम का एक नया तरीका देखा है आपने यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए फिर आगे भी आपको दिखाते हैं और नई नई चीज़ें क्या है क्या नहीं है, और हमारी बस उधर खड़ी हुई है, उधर चलते हैं, टाइम हो रहा है हमारा चलने का। चलिए फ्रेंड, फिर आइए, जय माता दी। चलो आ जाओ फिर यार, चलते हैं, बस चलती है अपनी, इतने कटरे ही जाके रुकेगी, उससे पहले नहीं रुकेगी अभी। हेलो, आ जाओ आप भी आ जाओ। तो फ्रेंड्स, अभी रात के 2 बजे हैं और आप देख रहे हैं हमारी जो गाड़ी है इसमें पंचर हो गया है पीछे वाले टायर में, और जो बस स्टॉप है वो स्टपनी चेंज कर रहे हैं अभी, थोड़ा सा वक्त लगेगा, तब तक देख यात्री भी जो है नीचे आ गए हैं, और रोड आप देख ही रहे हैं बराबर जो है ये ग्रैंड ट्रक रोड है, और गाड़ियाँ बराबर आती जाती रात के 2 बजे भी, और हम भी बाहर खड़े हुए हैं अभी। पंजाब जलंधर में हम आ गए हैं, ये देख लो, पंजाब में घर वर अच्छे अच्छे होते हैं, दूर दूर खेत वेत बढ़िया होते हैं, गेहूँ की फसल सबसे ज्यादा पंजाब में होती है। पंजाब की जो मिट्टी है ना वो सोना उगलती है भाई। तो दोस्तों, सुबह के 7 बज चुके हैं और अभी ये बस हमें मिर्थल में लेकर आई है। मिर्थल एक गांव है, कस्बा टाइप यहाँ पे पंजाब के अंदर, और अभी हम पहुँचने वाले हैं पठानकोट। तो ये हम पठानकोट आ गए हैं अब, और सुबह के अब 8:30 के आसपास हो रहे हैं। इस समय तो जो जम्मू से भी आगे निकल जाती है बस, 10 बजे तक तो कटरा पहुंचना होता है। आप देख रहे हैं गुरुद्वारा है सामने, ये काफ़ी अच्छा गुरुद्वारा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, और पीछे पूरा जो शहर आप देख रहे हो, लास्ट डिस्ट्रिक्ट है ये पंजाब का, उसके बाद जम्मू स्टार्ट हो जाता है, पठानकोट के बाद जम्मू स्टार्ट हो जाता है हमारा। तो पठानकोट एक अच्छी सिटी है, बढ़िया शहर है, और पंजाब का आपको पता ही है, पंजाब जो है खेती बाड़ी के मामले में नंबर 1 पे है, और यहाँ पे प्रगति भी जो है सबसे ज़्यादा है। सबसे पहले तो ये पंजाब जो है देश का 1 स्टेट हुआ करता था, अब थोड़ा सा इसका जो है ग्रोथ रेट डाउन हो गया कुछ समय से। तो चलिए, एक नदी भी आप देख लीजिए, नदी है यहाँ पठानकोट में, जब निकलते हैं इसके बाद जो है जम्मू लग जाएगा। अभी पठानकोट में हम एंट्री कर रहे हैं एक तरह से, इस तरह से तरफ से। तो ये नदी शहर के बीचों बीच कह सकते हैं उस नदी को। तो मेन सिटी अभी स्टार्ट होती है यहाँ से, तो ये चौक देख सकते हैं पठानकोट का, और यहाँ पे वाहन वगैरह भी खड़े हुए, कुछ फ्लाईओवर आपने देख ही लिया, और पुलिस के बैरिकेटर लगे हुए हैं, गायें वगैरह भी खड़ी हुई है यहाँ पे भी। जैसे देश में आजकल गायों की हालत आप देख ही रहे हैं, माली हालत है, इधर उधर घूमती रहती है, कचरा वगैरह खाने को मजबूर है। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं, और अब जो है हम आगे पहुँच रहे हैं, पेट्रोल पम्प आप देख रहे हैं, इससे आगे निकल गए हम पठानकोट को छोड़ते हुए। अब काफ़ी अच्छा शहर है, खूबसूरत शहर है। अब इसके बाद हम पहुंचते हैं जम्मू। जम्मू का बस स्टैंड है, वो कितना बड़ा बस स्टैंड है वो भाई साहब, सही में बहुत ही बड़ा बस स्टैंड है। ये देखो जम्मू का बस स्टैंड है, ओ भाई साहब, ओ तेरी मां, वहां तक बसें लगी हुई हैं, बहुत तेजी से बस लगी हुई है, रास्ता जाने का इसका जम्मू का, ये आधे जम्मू में तो मेरे को लग रहा है बस स्टैंड बना दिया। ओ ये आगे कितना बड़ा बस स्टैंड है, ये यहाँ से घुसेगी बस इतनी दूर आके,
माय गॉड, बसेस कमाल है यार, ये बस अड्डा अपने आप में कमाल है, अपने आप में बहुत बढ़िया चीज है सर। ये बस अड्डा अपने आप में मिसाल है, ये धमाल मचा देगा कभी बस अड्डा। हम यही करेंगे बस अड्डे पे, यही ना रोक के खड़ा करेंगे, आना हम ना जाएंगे। चिकन जी अब आगे हम बस अड्डे पे। बस वाले ने बहुत ज्यादा बदतमीजी से बात करी है, ठीक है बदतमीजी तो छोड़ ही दो, लेकिन क्या ही बोल सकते हैं उसको, ठीक है इतना ज्यादा रूडली बिहेव किया जिसका कोई हिसाब नहीं है। बस बस का नंबर भी दिखाऊंगा और बस भी दिखाऊंगा कौन सी बस है, ठीक है बाकी जैसा भी होता है जो भी होता है देखते हैं। बाकी इस वीडियो को थोड़ा सा ज्यादा शेयर करना, ठीक है। ये बस है भाई नोनू कोच की अशोक, और ये इसके दो ड्राइवर हैं भाई, ये इसके दो ड्राइवर। नाम और पूछ ले, इसका नाम और पूछ ले भाई, नाम क्या आपका, नाम तो बता दे यार, नाम बता दो, बता रहा हूं मेरे को, बुझा नाम बता दो, बोलो पीपी सिंह नाम है, पीपी सिंह नाम है। इस गाड़ी कौन सी गाड़ी के ड्राइवर हो आप, हां उसी गाड़ी का ड्राइवर हूं, 0825। हां यहां क्यों रोक रहे हो, भाई काम करवाने के नाम से कुछ भी नहीं है, बस आप पूरे जम्मू में कहीं भी कराओ लेकिन गाड़ी इधर से ही जाएगी, और गाड़ियों की हालत देखो ना कभी, दस मिनट में जल्दी करता है, दो तरह गाड़ी है इनकी अच्छी, बाकी गाड़ी बिल्कुल बेकार। चलो तो दोस्तों जम्मू के इन ऑटो ड्राइवर की बात भी आपने सुन ली होगी, हमारे साथ क्या हुआ, जो हमें डर था वही हुआ, गाड़ी उन्होंने वहीं रोक दी और अब हमें दूसरी गाड़ी से जो है कटरा जाना पड़ रहा है। लोकल बस हमने ली है, हालांकि एसी बस हमें मिल गई लेकिन सीटिंग मिली है वो हम दिखाएंगे। और ये जम्मू सिटी आप देख रहे हैं, अच्छा शहर है जम्मू, और जैसा कि आपको पता है जम्मू और कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था जिसमें एक अलग से इसको मान्यता प्राप्त थी, 370 और 35 ए की धारा लगी हुई थी, वो 5 अगस्त 2019 को ख़त्म कर दी गई थी केंद्र सरकार के द्वारा हमारी। और ये रास्ता आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यू टर्न बनाया जा रहा है यहाँ पे जम्मू के अंदर, इस फ्लाईओवर, ये मेन फ्लाईओवर है जम्मू का, और जम्मू का काफ़ी विकास हुआ है, तो वो श्राइन बोर्ड की वजह से जम्मू और कटरा का विकास बहुत ज़्यादा हुआ है जैसा कि आप सभी जानते भी हैं। और ये अब हम पहाड़ों पे चल दिए, जम्मू को पीछे छोड़ दिया हमने, अब पहाड़ियों की जो चढ़ाई है वो स्टार्ट हो गई है, और ये 40 से 50 किलोमीटर का रास्ता बताते हैं कि इतनी चढ़ाई है ऊपर तक, और उसके बाद वहाँ से पैदल चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है माता रानी के भवन के लिए। तो आगे भी आपको दिखाते हैं पहाड़ियाँ वगैरह जो भी आएगी, और त्रिकुटा पर्वत भी आपको दिखाएंगे। तो अब दोस्तों दिखाते हैं आपको कैनल, जो कैनल गुफाएँ जो बनाई गई हैं यहाँ पे, तीन चार गुफाएं मिलेगी आपको कटरा तक जाने में ये, और इससे छोटा रास्ता हो जाता है, काफ़ी पहले काफ़ी घूम के जाना होता था। तो आप कैनल फर्स्ट कैनल के अंदर आप हम एंट्री कर रहे हैं, ये ज़्यादा लंबी नहीं है, छोटी सी कैनल है लेकिन काफ़ी अच्छा बना दिया, सुदृढ़ बन गया, रास्ते आसान हो गए, रास्ता काफ़ी छोटा हो गया, टाइम जो है आपका जो है कंज्यूम हो जाता है, कम लगता है टाइम आपका। दूसरी जो कैनल है, दूसरी जो गुफा है, जो पहाड़ियों को काट कर बनाई गई है, अब हम उसमें एंट्री कर चुके हैं, आप देख ही रहे हैं, और अंदर की तरफ अंधेरा है पूरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, और थोड़ी देर के बाद दिखाई देगा जैसे ही कैनल जो हमारी एंड की तरफ चलेगी, और उसके बाद हम थर्ड गुफा में चलेंगे। तो ये पहाड़ियों को काट काट के अंदर से कैनल बनाई गई है, ऐसे ही जो हमारा ट्रेन है, ट्रेन के लिए भी काफ़ी लंबी कैनल बनाई गई है, और ये तीसरी कैनल अभी आ रही है, काफ़ी खूबसूरत दिख रहा होगा आपको नज़ारा, काफ़ी बढ़िया दिखता है, जब आप खुद से आओगे शाम से आओगे तो और भी अच्छा मजा आता है आने में, देखने में, और माता रानी के दर्शन करने का तो क्या कहने, वो तो हम कराएंगे अभी अपने को नेक्स्ट वीडियो में। काफी मनमोहक लग रही है ये भी, और उत्साहवर्जक भी, और लगता है कि हाँ सरकारें हमारी कुछ कर रही है, यहाँ आके देख के पता चलता है कि कुछ काम हो रहा है सड़कों पे, तो काफ़ी अच्छा काम हो रहा है देश के अंदर, और ख़ासकर इस एरिया में इस तरह से सड़कें बनाना जो हमें काफ़ी सुरक्षित वे भी देती है, और काफ़ी सुहाना भी हमें सफल हो जाता है हमारा। तो चलिए अब हम कटरा में जो है एंट्री मारते हैं। अब फ्रेंड्स हम कटरा के अंदर एंट्री कर रहे हैं, और कटरा में सबसे पहले आप देख रहे हो धर्मशाला कटरा की ये, और आगे भी सारी चीज़ें जो भी होटल लगाते रहे हो दिखाते रहेंगे। तो मैं बता रहा था 5 अगस्त 2019 को ये ख़त्म कर दी गई थी 370 धारा और 35 ए, और तब से इसको दो यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया था, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर। तो अभी हम जम्मू के अंदर है, और इसकी राजधानी जम्मू की भी श्रीनगर है जम्मू और कश्मीर की, और लद्दाख कई बार ये आरोप भी लगाता था कि सारा का सारा विकास जो है श्रीनगर ने अपने एरिया में कराया, लद्दाख में नहीं कराया। तो लद्दाख को अब मौका मिला यूनियन टेरिटरीज के थ्रू, वो अपने वहाँ भी करा सकता है। सामने आप देख रहे हैं ऊँचे ऊँचे पहाड़,
ऊंची ऊंची पहाड़ियां देख रहे हैं आप। ये त्रिकुटा पर्वत की पहाड़ियां है जहाँ माता रानी का निवास है, जहाँ माता रानी निवास करती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले माता रानी ने श्रीधर को दर्शन दिए थे और तभी से श्रीधर जी का परिवार जो है वहाँ पूजा अर्चना करता आ रहा है। और एक गवर्नमेंट की तरफ से एक श्राइन बोर्ड बना हुआ है जो यहाँ सब रस्तों की देखरेख और सब कुछ करता है। ये पावर ग्रिड आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, ये कटरा का पावर ग्रिड है, यहाँ से पूरी बिजली सप्लाई होती है। कटरा सिटी काफ़ी अच्छी सिटी है, कटरा सिटी भी और काफ़ी बड़ी भी है। कभी मौका मिलेगा तो पूरी सिटी दिखाएंगे। अभी हम आपको दिखाते थे होटल है आप देख रहे हैं राइट साइड में, और अच्छे अच्छे होटल्स हैं ये भी देख रहे हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे जैसे 2-स्टार 3-स्टार की क्वालिटी वाले होटल भी हैं, उससे फिर मीडियम लेवल वाले भी हैं और लो लेवल वाले भी हैं। हालांकि इस रोड पर जब तक हम बस के अंदर है तो बस हमारी चूँकि लोकल बस हमने ली है जो जम्मू से कटरा चलती है, ये ओयो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं A1 क्लास ओयो है। तो यहाँ सारी फैसिलिटी है ठहरने की, आप कितने भी दिन रुको कोई दिक्कत नहीं है। बस चार्जेज वगैरह आप अपनी जेब देखकर खर्च कर सकते हो। बस आप देख रहे हो जो मैं बस की बात कर रहा था, तो इस बस में हम एसी बस ही है, सबसे पीछे हमें सीट मिली थी इसमें, तो इसमें हम अपने पैसों से आए हैं। वहाँ से जो हमारा टिकट तो दिल्ली से लेकर कटरा तक का था स्लीपर का, लेकिन वहाँ जैसा कि मैंने बताया था पहले भी इन्होंने एक बार ऐसा किया था कटरा में, कटरा के लिए कहकर ऊपर जम्मू में बस रोक देते हैं और वहाँ से फिर यात्री जो है ज़्यादातर परेशान हो जाते हैं। ये कई बार करते हैं बस वाले ऐसी चीज़, अगर कोई विरोध ना करे। एक बार और किया था इन्होंने हमारे साथ, उस समय तो लोगों ने भी विरोध किया था तो बस वाले को आना पड़ता था, लेकिन इस बार लोग जो है उतर के चले गए दूसरी बस में, खड़े होके वो लोग आए और हमने विरोध किया तो हमें अलग से आना पड़ा। तो ये काफ़ी इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बहुत गलत है इस तरह की चीज़ें, क्योंकि यात्रियों के साथ ये गलत है। और ये रास्ता आप देख रहे हैं कटरा से, ये कटरा रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है, जो नया रेलवे स्टेशन बना है काफ़ी खूबसूरत है, दिखाएंगे अपने सेकेंड व्लॉग में, इसी के पार्ट 2 में दिखाएंगे आपको कटरा का जो रेलवे स्टेशन है मस्त एकदम बढ़िया है, मेट्रो के जैसे रेलवे स्टेशन है उससे भी बढ़िया है मैं कहूँगा। दिखाएंगे उसको, उसको देखने के लिए आपको सेकंड जो पार्ट है इसका जल्दी ही आने वाला है, वो आप देख सकते हो। और यहाँ आप देख रहे हैं ये कुछ दुकानें वगैरह है, रेस्टोरेंट टाइप हैं और सारे सामान आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, हाउस होल्ड वगैरह सारे मिल जाएंगे, चाहे वो आपको फैक्ट्री से बने हुए या हाथों से बने हुए सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। जब कटरा जो एक अच्छा शहर है, बढ़िया शहर है, खूबसूरत है, हवा पानी अच्छा है यहाँ का, और यहाँ पे मैं जो बता रहा था सस्ते अच्छे रूम भी अवेलेबल हैं और अच्छी क्वालिटी के। और आप अगर ओयो की तरह 2-3 घंटे या सिर्फ आप फ्रेश वगैरह होने के लिए रूम वगैरह लेना चाहते हैं 1-2 घंटा, तो वो भी अवेलेबल होते हैं यहाँ पे, वो भी मिल जाते हैं आप फ्रेश वगैरह होके उसके लिए जो है, उसके बाद फिर अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। सामान रखने की भी सुविधा होती है। ये देखिए जय माता दी के नाम से ये होटल है, ये का कॉर्नर पे काफ़ी अच्छा है, ये भी मधुबन के नाम से दिखाई दे रहा होगा आपको, पंडित जी का होटल दिखाई दे रहा है। और बहुत अच्छे अच्छे है, काफ़ी अच्छा है शहर, बहुत खूबसूरत है। आने के बाद कुछ और ही मज़ा होता है यहाँ पे देखने का, और वीडियो में हालांकि पूरा हम नहीं दिखा सकते, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से दिखाऊँ। और ये आप देख रहे हैं अब हम मेन चौराहे पे आ गए हैं, जहाँ से हम चढ़ाई स्टार्ट करते हैं माता रानी के भवन के लिए, उस चौराहे पे मेन चौराहे पे आ रहे हैं। ये फाउंटेन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये चौराहा है यहाँ पे, और ये रास्ता है भवन के जाने के लिए, आप सामने से देख रहे हैं। यहाँ से जो है भवन के लिए जाते हैं हम सीधे पैदल यात्री, और ऑटो से भी जा सकते हैं कुछ दूर पे वहाँ पे गेट पे, वहाँ से फिर जा सकते हो आप पैदल, या फिर दूसरी भी व्यवस्था है वो सब दिखाएंगे हम क्या व्यवस्था है आगे। अभी तो बस जो है यहाँ पे बस स्टैंड पे आती है, इस पे दिल्ली वाली बसें तो वो पीछे ही रुक जाती है, और जो लोकल बसें है वो इस वाले बस स्टैंड पे आती है यहाँ पे, और यहाँ पे आके ये रुकेगी यहाँ पे, और यहाँ पे हम उतरते हैं। अब मेन हम कटरा में पहुँच चुके हैं, त्रिकुटा पर्वत के पास पहुँच चुके हैं, यहाँ से हम अपने होटल में चलेंगे, होटल में थोड़ा फ्रेश वगैरह होएंगे और फिर माता रानी के भवन के लिए अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे। और माता रानी से दुआ करते हैं कि माता रानी सभी को बुलाए, आप लोगों को भी जल्द से जल्द बुलाए और सभी को दर्शन करने का मौका मिले, क्योंकि ये एक अद्वितीय है, अतुलनीय है चीज़ें हैं। ये हमारा कटरा में रूम है, हम रेडी हो गए हैं, फ्रेश हो गए हैं यहाँ पे, फ्रेश हो गए अब चलते हैं माता रानी के भवन की तरफ। तो जोर से बोलो जय माता दी, जय माता।